सत्संग से जो प्राप्ति होती है, वास्तव में उसी को जीवन कहा जाता है। सत्संग क्या करेगा? तो भागवत कहेगा कि सत्संग जीवन को समृद्ध करेगा। ज्यादातर लोग जीवन में समृद्धि चाहते हैं, लेकिन जीवन को समृद्ध करने का प्रयास नहीं करते। छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी परिणाम इसका बहुत बड़ा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसने पहले जीवन को समृद्ध कर लिया, और बाद में उसको जीवन में समृद्धि चाहिए। जिसका जीवन ही समृद्ध हो गया तो उसके लिए सारी समृद्धि सहज हो जाएगी। परेशानी है कि हम लोग जीवन को समृद्ध करना नहीं चाहते हैं, हम लोग तो जीवन में ही समृद्धि प्राप्त कर लेना चाहते हैं। जीवन में मिली चीज व्यर्थ है। अगर जीवन को समृद्ध नहीं किया है तो जीवन में जो मिला इसका कोई मतलब नहीं है। जीवन में आपको मान मिल गया, जीवन में आपको धन मिल गया, परिवार मिल गया, संतान मिल गए, बेटा बेटी सब हो गया, घर मिल गया, आपका अपना काम धंधा सब ठीक ठाक हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपके भीतर एक अतृप्ति बनी रहेगी, आपके भीतर किसी न किसी प्रकार का कष्ट बना रहेगा। ऐसे में अगर आपको पूछा जाए कि आप अपने भीतर कुछ अधूरा महसूस कर रहे हैं, कष्ट महसूस कर रहे हैं, आप अपने भीतर किसी प्रकार की बेचैनी या लाचारी महसूस कर रहे हैं, आपको आनंद नहीं हो रहा, तो मतलब क्या है? आपके पास घर है, आपकी संतानें हैं, आपके पास धन है, सामाजिक मान सम्मान है, आपका अपना दुकान धंधा सब ठीक ठाक चल रहा है, और इसके बावजूद अगर आपके अंदर आप तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकते तो अब क्या चाहिए आपको? ऐसा भी है कि ये सारी चीजें कुछ लोगों के पास आपसे बहुत कम है, आपकी तुलना में बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो भीतर से तृप्ति का मजा ले रहे हैं, भीतर से आनंद ले रहा है। उनसे दुगुना आपके पास है, लेकिन उसके बाद भी आप भीतर से तृप्ति का अनुभव नहीं ले रहे हैं। कारण क्या? सोचने से इसका कारण समझ में नहीं आता, लेकिन भागवत इसका कारण यही बताता है। जीवन में समृद्धि चाहिए, ये ठीक है, लेकिन जीवन को समृद्ध कर लेना अनिवार्य है। अगर जीवन को समृद्ध करो तो जीवन में आपको मिली जो कुछ प्राप्तियां हैं वो आपको तृप्ति दे सकती है। प्राप्ति से तृप्ति सबको नहीं होती। ज्यादातर लोगों को प्राप्ति से तृप्ति नहीं बन रही, धन से धन की भूख बढ़ी, सम्मान से सम्मान की भूख बढ़ी, भोगों से भोगों की भूख बढ़ी। जैसे जैसे इच्छाओं की पूर्ति होती गई वो दुगनी होती गई, दुगनी होती गई। प्राप्ति
तृप्ति के लिए होती है वैसे तो। अब भोजन क्यों बात है? तृप्ति के लिए, प्राप्ति तृप्ति के लिए होती है। लेकिन संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसको प्राप्ति से तृप्ति होती है। प्राप्ति से तृप्ति तभी होगी कि आपने जीवन में समृद्धि पाने का प्रयास इतना न किया हो, जीवन को समृद्ध करने का प्रयास किया हो। जीवन में समृद्धि चाहिए व्यक्ति को, आवश्यकता है व्यक्ति के। घर परिवार संभालना है, अपना अपना व्यवहार संभालना है, तो जीवन में समृद्धि व्यक्ति को चाहिए। जीवन में समृद्धि होना आवश्यक है, लेकिन जीवन समृद्ध होना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर जीवन समृद्ध नहीं हुआ तो फिर जीवन में आपको चाहे जितनी समृद्धि होगी लेकिन आपकी आवश्यकताओं का कभी अंत नहीं बनेगा, कभी नहीं होगा। जीवन जिसका समृद्ध नहीं हुआ उसको जो कुछ जीवन में समृद्धि प्राप्त होगी उसमें ऐसा परिणाम आएगा कि आपको जो चीज वस्तु मिली, आपको जो सुख सुविधा मिली, उसको आपने अगर मन भर के देखा भी नहीं होगा, ऐसे में उसका जाने का समय आ जाएगा। अधिकांश चीजों में सबको ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपको मिली संपत्ति, आपको मिली संतानें, आपको जो कुछ जगत में प्राप्ति हुई है, उन प्राप्तियों को आपने पूरा मन भर के देखा तक नहीं। बार बार उसी को देखने का आपको मन करता है और आपने पूरा मन भर के उसको अभी देखा तक नहीं है, ऐसे में उसकी विदाई का समय आ जाता है। और जब वो सुख सुविधाओं का विदाई का समय आता है तो आपको लगता है कि ये 20-25-30 साल में हमने इसका पूरा मजा भी नहीं उठाया था, ठीक से हमने उसका आनंद भी नहीं लिया था, हमने इसको देखा नहीं ठीक से, और ऐसे में इसका सरकने का टाइम, सरकने का समय आ जाता है। क्योंकि सरकना संसार का स्वभाव है, यहां तो सब कुछ सरकता है। आज अगर आप 50 के हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि अभी कुछ ही दिनों के पहले 5 साल के थे, 45 कहां बीत गए पता नहीं। सबको जो 80 के है उसको भी ऐसा ही लगता है कि अभी कुछ ही समय पहले हम 10-12 वर्ष के थे, स्कूल जाते थे, शरारतें करते थे, ये तो अभी की बात, कुछ ही दिनों पहले की बात लगती है, और आज 80 के हो गए, 85 के हो गए, कहां कहां गया ये समय। सरकना संसार का स्वभाव है। इसमें जीत इसकी हो गई है कि जिसने केवल जीवन में समृद्धि का प्रयास न किया हो लेकिन जीवन को समृद्ध करो, अनिवार्य है जीवन को समृद्ध किया जाए। जीवन में समृद्धि के लिए आप लाख प्रयास करो, उसके बाद भी शायद मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, लेकिन जीवन को समृद्ध करने के लिए प्रयास करो तो जीवन समृद्ध हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं होती। निश्चयात्मक सफलता इसमें होती है। जीवन को समृद्ध करना है कि जीवन में समृद्धि को भरना है, ये हमें तय करना होगा। जीवन में मिली समृद्धि को भी तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम उससे तृप्ति का एहसास कर पाएंगे, तभी हम उसमें अपनी विनम्रता को बरकरार रख पाएंगे, तभी हम इसमें अपने विवेक को हम सुरक्षित रख पाएंगे,
उसमें हम तभी भगवान की कृपा का दर्शन कर पाएंगे अगर पहले हमने जीवन को समृद्ध किया। जीवन में समृद्धि पाने के लिए इंसान को एक निमित रूप प्रामाणिक रूप से पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा जमकर प्रयास तो जीवन को समृद्ध करने में करना चाहिए। जीवन समृद्ध हो गया तो व्यक्ति मालामाल हो गया, उसके बिना अगर जीवन में समृद्धि मिल गई बोझ बन जाएगी। अकारण दुश्मनी होगी चारों ओर, आपका व्यक्तित्व चुभेगा दूसरों को, अगर जीवन समृद्ध नहीं है और जीवन में समृद्धि है तो दोनों दिशा में इंसान बेचैनी का अनुभव करता है। नहीं है तब वो नहीं है इसका उसको कष्ट होता है, और जब है तब उसके होने का भी उसकी उपलब्धियों का भी बोझ हो जाता है। उपलब्धियों का बोझ जब व्यक्ति को परेशान करता है ऐसे में व्यक्ति वैभवों में दुखी होता है, सुख में दुखी होता है, अनुकूल माहौल में व्याकुल होता है। अनुकूल माहौल भी आपको अंदर से भयभीत रखता है, अच्छा माहौल भी अंदर से आपको असुरक्षित कर देता है, क्योंकि आपकी उपलब्धियां आपके लिए बोझ है। अगर जीवन समृद्ध नहीं है तो जीवन में समृद्धि का कोई मतलब नहीं, मिली ना मिली कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसका कोई मतलब ही नहीं है। भौतिक सुख सुविधा भी उसी के लिए एक वरदान साबित हो जाती है जिसने सत्संग के द्वारा अपने जीवन को समृद्ध किया। और श्रीमद् भागवत जीवन को समृद्ध करता है। श्रीमद् भागवत कभी ना मिटने वाला एक जीवन प्रदान करता है।